आज की कहानी का नाम है बचपन, जिसे लिखा है प्रेमपाल शर्मा ने। बंटी ने अभी कलम भी नहीं खोली होगी कि नीटू की आवाज़ खिड़की पर हाजिर थी। बंटी भैया, क्या खा रहे हो? बंटी तुरंत खिड़की पर थे। बंटी ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। क्यों बंटी भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? नीटू कहाँ मानने वाले थे, बताओ ना क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ, मम्मी रसोई से दौड़ती हुई आई। मम्मी जब तक पहुँचती, नीटू लापता थे और बंटी कूदकर अपनी मेज पर। मम्मी ने तुरंत खिड़की बंद की। नीटू को ना पाकर डांट फिर बंटी पर ही पड़ी। अब खिड़की खोली तो तेरी खैर नहीं। बंटी ने गणित का पन्ना खोल लिया। बंटी की समझ में नहीं आता कि मम्मी पापा क्यों उसे इस काम में जोते रहते हैं। जब देखो तब मैथ मैथ, क्या हो जाएगा मैथ से? बेटा, सवाल करने से अकल तेज हो जाती है। जब दो में दो की गुणा करते हैं तो दिमाग की नसें पहले उलट पुलट होती है, फिर सीधी हो जाती है, साफ सड़क की तरह। बस फिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। पापा ने हाथों के इशारे से बंटी को समझाया। बंटी सोचता रह गया, उलट पुलट जैसे वह चिट्टू नीटू और जे के साथ पार्क में करता है। लेकिन मेरी तो नहीं होती। बंटी की आंखें तो किताब में हैं, पर दिमाग पार्क में दौड़ रहा है। फूल पत्तियों से विशेष प्रेम है बंटी को। मम्मी मम्मी देखो, इसमें अब चार पत्तियां हो गई, पहले सिर्फ दो थी। मम्मी, दो और कैसे आ गई? जैसे हम बढ़ते हैं, तुम पहले इतने से थे, मम्मी ने दोनों हाथों को गोल करके बताया। हैं? उसे यकीन नहीं आया मैं इतना सा था, इतना सा। उसने भी हाथ से अपना पैमाना बनाया। झूठ बोलती हो, पापा से पूछ लो। आप ही बताओ ना, इतना छोटा था जितना यह पौधा। उसकी आंखें खुली हुई है आश्चर्य से। पौधा उसके सिर्फ घुटनों तक आता है। तो फिर मैं और बड़ा हो जाऊंगा शक्तिमान की तरह? शक्तिमान से भी ज़्यादा, इसलिए तो मैं दूध पिलाती हूँ। दही फल खाओगे तो और जल्दी बड़े हो जाओगे। चचा, दही दही तो मैं कभी खा नहीं सकता, इतना खट्टा होता है, इतना खट्टा आए। उसने उल्टे के अंदाज में जीव निकाली। मम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई। बंटी बरामदे में रखे गमलों में देखता रहा। उसके बोए चने तो अंकुर देने लगे, पर कपास के बिनोले का पता नहीं चल रहा। वह मिट्टी को रोज उलट पुलट कर देख लेता है। बालकनी में सोते सोते चिड़ियों की आवाज़ें आने लगती है, तब उठता है बंटी, वो भी मम्मी के जगाने पर। मम्मी को पता है उसे जगाने का ढंग। बंटी बंटी देखो तोता, देख देख इसकी चोंच कितनी लाल है, पापा की नाक जैसी। तोता, चिड़िया, मोर, बंदर, लंगूर, बिल्ली, कुछ भी नाम लीजिए, बंटी की आपकी सारी बातें मानने लगेगा। दूध फटाफट पी ले, फिर घूमने चलते हैं। कल जहां मोर थे वही चलेंगे। बंटी ने दूध पी लिया है और जूते भी खुद ही पहन लिए। अब देरी मम्मी की तरफ से है। चलते हैं भाई, चलते हैं। बंटी पापा को भी ले ले, कान में कहता है। नहीं, पापा को नहीं। सबसे बुरी लगती है बंटी को सुबह सुबह पापा की आवाज़। उठो फटाफट, 7 बज गए। बस एक मिनट पापा, आवाज़ ख़त्म भी नहीं होती कि उनके ठंडे हाथ बंटी के गालों पर है। संडे के दिन तो सो लेने दिया करो पापा। बंटी को पता है कि पापा आते ही दौड़ने के लिए कहेंगे। दौड़ने से टांगें मजबूत हो जाती है, ताकत आती है। दौड़ो और घर चलो जल्दी, समाचार भी सुनने हैं। यह भी कोई शेर हुई? जबकि मम्मी के साथ वह चींटियों को घर बनाते हुए देखेगा। दबे पाँव चलकर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। चिड़ियों की किसी नई आवाज़ को कान से सूंघता हुआ मम्मी को बताएगा या पूछेगा, मम्मी ये कौन सी चिड़िया है? मम्मी को किसी चिड़िया का ज्ञान नहीं है, इसके बावजूद वह यकीन मम्मी पर ही करेगा। इसको गटगटिया कहते हैं, क्योंकि यह गटगट की आवाज़ करती है। मम्मी ने तुक्का मारा। कितना सुंदर नाम है गटगटिया, उसने दोहराया। मम्मी, एक पेड़ पर कितनी चिड़िया रहती होंगी? 100 कैसे रहती होंगी, एक के ऊपर एक? इतने तो डालियाँ भी नहीं होती। मम्मी कई और खोई हुई है। घर पर दूध वाला दूध रख गया होगा। आज शाम को एक शादी में जाना है, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। पहले जाते ही बालों में मेहंदी लगाऊंगी। कम से कम 2 घंटे चाहिए, तब कहीं जाकर मेहंदी का असर होता है। साड़ी पर प्रेस करानी है,
कौन सी साड़ी पहनूं, यह भी एक मुसीबत है। बंटी चलते हैं चलो, वह उसे वही खड़े खड़े बुला रही है। मम्मी बस एक चक्कर और, उधर स्विमिंग पूल की तरफ बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया होती है, मोर के बच्चे भी ठुमक ठुमक कर चलते हैं। मम्मी प्लीज, उसे मम्मी को मनाना खूब आता है। मम्मी आपको तो आता है ना तैरना, कहाँ सीखा आपने? गंगा में। मम्मी बचपन को छूकर बंटी की उम्र में लौट आती है। हम इतनी इतनी दूर तक गंगा में निकल जाते थे, हमारी नानी डरी हुई आवाज़ देती रह जाती थी, अरे बिटिया लौट आओ लौट आओ, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पर हम पूरी नदी पार कर जाते थे। बंटी आश्रम में खड़ा हो गया सुनने के लिए। आपको डर नहीं लगता था? खूब गहरे पानी में चली जाती थी। खूब गहरे में? एक बार तो नीलम मौसी डूबते डूबते बची। ओहू नीलम मौसी, भैया मैं नहीं जाता कभी गहरे पानी में, मुझे बहुत डर लगता है। बेटा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, एक बार एक बच्चा डूब गया था। बंटी डरा हुआ सा खड़ा है। मम्मी फिर आप क्यों जाती थी, बताओ ना। चलो तो रास्ते में बताऊंगी, बंटी की तरफ का रुख होते ही बंटी को होमवर्क की याद हो आई। मम्मी आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी ना? बहुत अच्छी, हर बार सुंदर मिलता था। आज मेरे कुछ साइंस के चित्र बना दो। मम्मी बनवा दो ना प्लीज। सवाल करते करते सपनों की परछाइयाँ उसके जहन में तैरने लगती है। पापा हम नहीं उठ सकते क्या? क्यों नहीं, तुम तो पहले से ही उड़ना जानते हो। बताओ ना सचमुच, वह लड़ियाता हुआ पास आ गया। सच्ची तो बता रहा हूँ। मम्मी पापा जैसे छत पर गए, तुम उड़ जाओगे इन्हीं टांगों से। यह पंखों का काम भी करती है, कभी फुर से राजाबाग, कभी बैडमिंटन कोर्ट, कभी क्रिकेट ग्राउंड। अपना मजाक बनता जानकर वह वापस अपने होमवर्क में मशगूल हो गया। जब इन सवालों को कर लोगे हम तब बताएंगे तुम कैसे उड़ सकते हो। सही में? बिल्कुल। बंटी आयुष को बता रहा था, पापा कह रहे थे जो बच्चा चिड़ियों के साथ उड़ता है सुबह सुबह, केवल उसे ही चिड़िया उड़ना सिखाती है। तो उड़ सकता है? हाँ क्यों नहीं, मैं अलार्म लगा कर सोऊंगा। मुझे भी जगा लेना, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। और सुन, किसी और को नहीं बताना। अगले दिन सुबह दोनों साथ थे, जूते कसे हुए, घने पार्क में इस कोने से उस कोने तक तरह तरह के पंख बटोरते। मम्मी इस कोने में हमारे पंख है, हटाना नहीं। कोने में तरह तरह के पंखों का ढेर बढ़ता जा रहा है, मोर कबूतर तोता चिड़िया के छोटे बड़े कई रंगों के। सुबह उठने का जो काम मम्मी पापा की हजार डांटे नहीं कर पाई, वह चिड़िया के पंख ने एक दिन में कर दिया। सबसे अच्छा लगता है बंटी को चित्र बनाना, बहुत बचपन से ही, मानो हर चिड़िया जानवर को छू सकता है। वह अपने कागज पर बनाता नदी नाले झोपड़ी और ऊपर उड़ती चिड़िया। वाटर कलर और ब्रश मिल जाए तो कहना ही क्या। पानी के रंग ब्रश के साथ कोई बिस्तर पर या सोफे पर नहीं बैठता। रंग बिखर जाए या पानी फैल जाए तो डांट और पड़े, फर्श पर ही लगा रहेगा। कभी कभी पूरी दोपहर जब सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ होता है, उसे कागज और रंगों के साथ खुसर पुसर करते देखा जा सकता है। ड्राइंग के लिए उसकी आंखों से नींद एकदम गायब हो जाती है, लेकिन मम्मी कंजूस है, उसे रंग नहीं दिलाती। वह तो मामा अच्छे है जो बर्थडे पर केमल के रंग दे गए। तुम तो मक्खी चूस हो, वह मम्मी से कहता है, रंग भी नहीं दिला सकती हो। उसे ये बातें मामा ने रटाई है। जो कोई घर में आता है, मम्मी तुरंत उसके चित्रों को उसके सामने रख देती है। सियाती हुई सबकी शाबाशी, बंटी और कुलाचे बनने लगते हैं। रंग और कागज फिर दौड़ गए, आज खेलना भी नहीं। पूरे कमरे को स्टूडियो बना रखा है, पड़ोस के बच्चे भी देखा देखी उसके पास बैठकर रंगों से खेल रहे हैं। फर्श भी जगह जगह रंग बिरंगा हो गया है। बंटी तुम दिन भर यही करते रहोगे, स्कूल का काम कौन करेगा? तुम्हारी मैम उस दिन जीख रही थी कि इसे ABC भी लिखना नहीं आता। दफ्तर से लौटते ही बंटी की बरकुटी तनी हुई है। अभी 3 साल 3 महीने का हुआ है बंटी, रोते रोते स्कूल की बस में छोड़कर आते हैं बाबा जी। पता नहीं क्या स्कूल है, यह बच्चे अभी स्कूल जाने लायक है? आपके ज़माने की बात और थी, इतनी मुश्किल से तो एडमिशन हुआ है, अच्छे अच्छे लोग धक्के खा रहे हैं इस पब्लिक स्कूल के लिए। इतनी दूर है स्कूल भी, दोपहर को जब लौटता है तो मुंह निकला होता है पड़कुया सा। दादी पुचकारती है बंटी को, हमारो तो कोई बालक 6-7 साल से कम ना गयो स्कूल।
बंटी दादी की गोद में बैठा है चिड़िया के बच्चे सा। तुम अपने बच्चों की बात मत किया करो, ये गांव नहीं है। चलो बंटी दूध पियो, फिर होमवर्क करते हैं। मम्मी ने तुरंत उबाल आ गया। दूध पीते पीते उल्टी आती है बंटी को, दूध पचता नहीं है, सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है, सर्दी में क्लास में मैम बिल्कुल शोर नहीं मचाने देती, बोल भी नहीं सकते। कहते हैं हिंदी बोलोगी तो मुर्गा बना दूंगी। मैं आई गो टू टॉयलेट मैम, बड़ी मरी सी आवाज़ में इतना रट पाया है वह महीने में अभी तक। कल गेम के पीरियड में बच्चों की लाइन टूट गई तो सभी की पिटाई हुई, कुछ के माँ बाप को बुलाया गया भी मिलने को। बंटी भी उनमें से एक है। बहुत उद्दम मचाता है आपका बेटा, डिसिप्लिन बचपन से ही आता है। बोलो अब तो शोर नहीं करोगे? मैम ने बच्चे की तरफ देखा तो बंटी की आंखों में आंसू चू आए, वह मम्मी से चिपक गया। कहो सॉरी मैम, अब नहीं करूँगा, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है इसकी, आप लोग इसे अंग्रेजी में ही बोला करो। मैम की हकारत और नसीहत दोनों साथ साथ। बंटी क्या कहा था मैम ने? चलो चुप बैठो नहीं तो हम आपको बाजार नहीं ले जाएंगे, सिट डाउन, उन्होंने मैम की नसीहत याद आई। घर में भी मैम हर समय बनी रहती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ओके टाटा, थैंक यू, माय नेम इज बंटी। मम्मी घर ही रहे तो सांस भी नहीं लेने दे। पहले मम्मी जब ऑफिस जाती थी तो बंटी रोता था, अब उसे राहत मिलती है। जो जो मम्मी और मैम की साठ गांठ बढ़ रही है, बंटी की मुसीबत भी। एबीसी उसके समझ में नहीं आती और ड्राइंग मम्मी बनाने नहीं देती। मम्मी दो दिन से छुट्टी लिए बैठी है, मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पढ़ाना है, बिना पढ़ाई कैसे काम चलेगा, सभी में पुअर पुअर, सिर्फ ड्राइंग में ठीक ठाक है, ड्राइंग से क्या होता है। कम सिट हियर एंड डोंट मेक ए नॉइस। ओके पापा, एक बच्चा तुतलाया। देखा बंटी कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है हाइकू। मम्मी की मित्र आई हुई थी अपने पति और पुत्र के साथ, ये तो इससे अंग्रेजी में ही बात करते हैं, चाहे कई भी हो, पतिदेव फूल रहे हैं। मम्मी ने पापा की तरफ देखा जैसे कह रही हो यह आदमी किसी काम का नहीं। उनके जाने के बाद उन्होंने पापा को हाक लगाई, इन पोथन्नाओं में आग लगा दो, बंटी की पढ़ाई राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। अनुपात में शीत युद्ध शुरू हो गया, एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ पापा और बाबा दादा समेत सभी। इतनी चिंता क्यों कर रही हो, अभी है ही कितना बड़ा, सब ठीक हो जाएगा, पापा ने समझाने की कोशिश की। है सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे कहने से, उसे एबीसी तक तो बता नहीं सकते। मम्मी की आवाज़ को दूर दूर तक सुना जा सकता है इन दिनों। कई बार बंटी मामा पापा की आंखें मूंदते ही चुपके से चारपाई से खिसक जाता है और दूसरे कमरे में ड्राइंग करता हुआ मिलता है, आत्मविभोर, डूबा हुआ, कभी गमलों की मिट्टी में कुछ खुरेदता हुआ, कैलेंडर में बने जंगल में रोज एक नई चीज़ खोजता। दादी जी इसका क्या नाम है? बंटी ने उंगली रख दी। दादी अपनी आंखों को कैलेंडर के पास ले आई। कोई जिनावर है बेटा। जिनावर या जानवर? बंटी इस उच्चारण से चौंका। हम बे कुछ भी कह लो, स्कूल से लौटने पर बाबा जी बंटी से दिन भर दादी के जिनावर, हम्बे, माटरनी जैसे शब्दों को बुलवाते हैं और खिलखिलाते हैं। मम्मी के लौटते ही जैसे कर्फ्यू। मम्मी दादी जी हाँ को हम्बे बोलती है। क्यों बोलती है ऐसे? तेरा सिर, तू भी यही सीखेगा। मन कुछ कहता है बंटी का, मम्मी कुछ, दादी कुछ, वैसा बोलती है तो स्कूल कुछ। बंटी उनके लिए पहली है तो वे सब बंटी के लिए। दादी की बात सच्ची है। इन सब पाटों के बीच बेचारे का मुंह निकल आया है चिपनिया सा। पापा का ट्रांसफर हो गया है, वहाँ बहुत खेलने की जगह है, बंटी को मम्मी बताती है। दादी जी भी साथ आएंगी ना? मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। नया शहर बंटी को एकदम भा गया। पहली मंजिल पर घर था, खूब खुला हुआ आकाश, बरामदे से सामने देखता तो लगता कि उसका घर पेड़ों की टहनियों के बीच टिका है, ऊपर खुली छत और पीछे आम के बड़े बड़े पेड़, ना चप्पलें गंदी होने का डर ना धुआं। पापा एक बात बताऊं, शहर के लोगों को गाँव में नहीं जाना चाहिए, ये गाँव को भी गंदा कर देंगे। पापा सन्नाटा खा गए, ये मौलिक बात थी। कैसे? इतने सारे लोग इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, इतने सारे टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ, धुआं, गाँव गंदा नहीं हो जाएगा? आजकल बंटी हमारा बात पर्यावरण पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय है,
विज्ञान व सभी विषय मातृभाषा में पढ़ाते हैं, हिंदी बोलने पर कोई दंड नहीं। इतनी अच्छी उनकी मैडम है कि कभी भी नहीं डांटती। कोई बच्चा गलती भी करता है तो उसे बुलाकर समझाती है। कल मुश्ताक पर डांट पड़ी क्योंकि उसकी कॉपी पर उसकी मम्मी की हैंडराइटिंग में लिखा था। मैम कहती है, चाहे काम पूरा ना हो पर मम्मी पापा से नहीं कराओगे, अपना काम स्वयं। खूब बोलने लगा है आजकल बंटी, एक बात बताता है और पूछता है, पापा आर्मी क्या होती है? मुश्ताक कह रहा था उसके पापा आर्मी में है, साल में बस एक बार आते हैं। कल उसके पापा आए हैं इसलिए बन नहीं आया। मैम ने उसे डांटा भी नहीं, इतनी अच्छी है। जो बच्चा मुश्किल से तैयार किया जाता था आजकल अपने आप तैयार होता है। नहीं मम्मी, मैं पुलिस खुद करूँगा, हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे थे। गांधी जी अपना सारा काम खुद ही करते थे, अपना बाथरूम भी साफ करते थे, आपको पता है मम्मी? मम्मी का बीपी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हालांकि अभी जब जब उसकी कमज़ोर अंग्रेजी उन्हें उदास कर जाती है। बंटी अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो, फर्स्ट का आता हूँ तभी पढ़ लो। पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बंटी खेलने भाग गया। बंटी नीचे खेल रहा है एडवर्ड के साथ, कैरियो को बिन रहे हैं, कभी इकट्ठा करके जामुन बेचने वाले की तरह लगा देते हैं, कभी बराबर में बैठकर आलू की तरह तोलने लगते हैं। घर के एक कोने में कुछ ईंटें इकट्ठी कर ली है, उनमें उन्होंने घर बनाए हैं कुत्तिया के पिल्लों के लिए। बुरे बुरे पांच पिल्ले हैं, बिल्कुल गुड्डे जैसे। दोनों बच्चे उन्हें कैरी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी ऊपर से झाँक रही है, बंटी तुमने तो परेशान करके रख दिया, पूरी दोपहर ही तुम्हारी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कब चुपके से सरक जाते हो, जल्द हो जल्दी। बंटी अब आदी हो चुका है माँ की हिदायतों का, ये मत किया करो, वो मत किया करो, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, हाथ धोए या नहीं, देखो, हाय राम, आज फिर घुटना फोड़ लिया, देखो घुटना कितना काला पड़ रहा है, तुम कब नहाना सीखोगे, तुम कब बड़े होगे, तुम्हें कब अकल आएगी। बंटी हम तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे, नीटू चीटू आयुष इंतज़ार कर रहे होंगे, आज सब पेड़ पर छड़कर छुआ छुई जो वे खेलेंगे। ये देखो ये क्या है, कथई रंग की गुठली नुमा चीज़ थी, साथ ही दो छोटे छोटे पत्थर। मम्मी ने सोते हुए बंटी की जेबें खाली की, जाने कहाँ का कबाड़ी घर में आ गया। आजकल बंटी वैज्ञानिक बनने पर उतारू है, उसकी अलमारी भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से, बल्ब, कागज़ के जहाज, मेज कुर्सी, कोट पेंट, बिजली के तार, सेल जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है या जो प्रयोग में आ चुके हैं, सुई धागा, चाकू, कांच का गिलास जिसमें भरी मिट्टी में आड़ू के बीज बोए गए हैं, पतंगे, रंगीन कागज, पत्थर के अनेक किस्म के टुकड़े, कंप्यूटर की फ्लोपी, गेंद और खेल खेल में विज्ञान की किताब। इस अलमारी का पूरा रहस्य या तो बंटी जानता है या आयुष। पापा ने उन्हें एक पुरानी घड़ी और कैमरा दे दिया था। बंटी की आंखों की चमक देखने लायक थी। वह दौड़ा दौड़ा आयुष के पास गया और पिछले एक हफ्ते से वे छत पर सुबह शाम उसी में व्यस्त रहते हैं। पापा एक बात बताओ, जब सूर्य के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वह जलता कैसे है? उसके प्रश्नों में अभूतपूर्व आत्मविश्वास है, मानो आज पापा को निरुत्तर करके ही छोड़ेगा। पापा ने समझाया, पता नहीं कितना समझा, पर उसकी आंखें अभी भी खुली हुई है, उसे नींद इतनी आसानी से नहीं आती। रोज एक नया धंधा सीख लेता है। मम्मी उसे दुलारती हुई बगल में लेट गई, इसे अचानक ड्राइंग क्यों बंद कर दी? बड़ा मनमौजी है, जब से ड्राइंग की क्लास में भेजा है ड्राइंग की तरफ देखता भी नहीं, पहले दिन भर बनाता रहता था, अब सब उठाकर रख दिया। म्यूजिक में भी उसने यही किया था, एक दो दिन तो क्लास में गया, फीस भी भरी, पर फिर गया ही नहीं। म्यूजिक टीचर बेचारी खुशामद करती रही, यह फट पाएगा या नहीं, इसका फटने में दीदा नहीं लगता, और जो चाहे जो करा लो। आखिर स्कूल का काम तो अब अपने आप करता ही है, नंबर भी अच्छे आ रहे, और क्या चाहिए। अरे एक बात तो बताना भूल ही गई, पूछ रहा था अंधों में काना क्या होता है। मैं कहती हूँ ना कि इसे तू जो फर्स्ट आता है अंधों में काने की तरह है, आजकल बातें तो देखो इसकी। कह रहा था कि जब तू मुझे अमेरिका में वैज्ञानिक का पुरस्कार मिलेगा तो सब लोग टेलीविज़न पर कहेंगे, अरे यह तो इंडियन है।
5 बजे के निकले है बंटी अपनी टीम के साथ। संचार के नए साधनों की सवारी करने का पहला मौका बच्चों को ही मिला है। स्कूल से लौटते ही जूते बाद में खोलेंगे, कार्डलेस पर प्रोग्राम बनने पहले शुरू हो जाते हैं। मम्मी जीक रही है, 8 बज गए, 8:30, कहीं पता नहीं। आज इसकी धुनाई ना की तो मेरा नाम नहीं, इतना बिगाड़ रखा है तुमने। कुछ कहूँ तो उसका पक्ष लेने लगते है। लेट बंटी होता है, डांट पापा को पड़ती है। उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया कि शाम को बंटी किले के पास खेल रहा था। बताए तो और डांट पड़े कि घर आने के लिए भी नहीं कह सकते थे, उसके इम्तिहान सिर पर है। बंटी पेट पर छड़े हुए थे, 3 बच्चे भी साथ थे। मम्मी की छिपाई टोपियों का पैकेट उनके हाथ में था। अंकल अंकल, बंटी भैया ने मुझे एक ही टोपी दी, नीटू को 2 दी। बंटी या तो अपनी उम्र के छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं या लड़कियों के साथ। छोटे बच्चों के सामने उन्हें अपनी मनमानी करने को जो मिलती है। बंटी ने आज छुट्टी की है, घर पर ही पढ़ना है, इम्तिहान नज़दीक जो है। पापा ने तारीख डालकर 20 सवाल दिए। मम्मी ने संस्कृत का पाठ, साइंस का काम स्कूल में मिला था। बंटी मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, तब तक काम पूरा हो जाना चाहिए, तुम भी जरा डांट कर कह दो। बाप और बेटे दोनों को आदेश देकर मम्मी ऑफिस चली गई। आज कुछ ज़्यादा काम इसलिए भी मिला है कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। गणित की एक कॉपी उसने सोफे की गद्दी के नीचे ऐसे छिपाया था कि कल 3 महीने के बाद मिली। पिछले कई बार की तरह बंटी ने कान पकड़ कर फिर ऐसा न करने का वायदा किया। चलते चलते मम्मी ने कल की गलती का उसे फिर से संस्मरण कराया। मैंने कल छोड़ दिया है तुम्हें, मम्मी जल्दी आ गई है, काम को जल्दी निपटा कर या बोस को पटा पुटू कर। लेकिन बंटी का वो कहीं पता नहीं। कॉपी का जो पन्ना खोलकर मम्मी ने देखा तो वही खुला है, एकदम कोरा। किताबें भी बिल्कुल बेसी ही है, सिर्फ बंटी उठ गए हैं। उन्होंने दूसरे तीसरे कमरे में देखा, क्या पता सो गया हो। फिर उन्हें याद आया कि दाला तो उन्होंने खुद खोला था। कहाँ फ़ोन करे बे, इस गर्मी में दोपहर को 2 बजे तलाशे भी तो कहाँ कहाँ, आज नहीं छोड़ूंगी इसे। मम्मी दांत पीसे जा रही है। अगले ही पल कई तरह की दुश्चिंताएं भी उन्हें घेरने लगती है। वैसे इस कॉलोनी में कोई डर नहीं है, फिर भी किसी के साथ साइकिल पर ही चला गया हो, दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है। बंटी डराते हुए घुसे बेखबर, मम्मी आज आप जल्दी आ गई, तू आ जा आज। मम्मी ने उसे बाजू से पकड़ लिया। बंटी के चेहरे से अब लग रहा है कि उसे सुबह के बाद याद आ रहे हैं। बोल कहा था, मैं तुझसे क्या कह गई थी, मम्मी ने तड़ 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 झापड़ जड़ दिए। बंटी सिसकने लगे, सिसकते सिसकते खाना खाया और फिर अपने काम पर बैठ गए। आज तो यहाँ से उठा भी तो तेरी खैर नहीं, आज पापा से शिकायत करूँगी। वैसे तो पापा से लड़ती हो, पटाने के लिए उसकी चमची बन जाती हो, मम्मी की हंसी छूटने वाली है, इसलिए दूसरी तरफ मुँह फेर लिया, लड़वा लो बस इससे। कहती है फर्स्ट आती थी फर्स्ट, बंटी ने मुँह गिराया। एक यूनिट टेस्ट में कभी आ गई होंगी तो बस उसी को कहती फिरती है। शाम के 6:30 बज रहे थे जब पापा ने घर में प्रवेश किया। बंटी की डांटों के दबाव में आज भी सीधे घर आ गए थे। मम्मी नींद में बेखबर थी, उन्होंने हल्के से हिलाया, बंटी कहाँ है, हैं, फिर चला गया। फिर ठगी सी माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। उनके चेहरे से कोई नहीं कह सकता था कि अभी 2 सेकंड पहले सोकर उठी है। बंटी एडवर्ड के साथ नीचे कुत्तिया के पिल्लों में बसते, सारी चिंताओं से मुक्त। तो ये थी आज की हमारी कहानी बचपन। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।